ऑपरेशन प्रहार के तहत क्राइम ब्रांच इंदौर ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए अवैध ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 5 तस्करों को थाना बाणगंगा के साथ संयुक्त कार्यवाही में धर दबोचा। 5 आरोपियों में से एक राजस्थान का तस्कर सोहेल खान भी गिरफ्तार हुआ है। आरोपियों के कब्जे से क्राइम ब्रांच की टीम ने कुल 180 ग्राम ब्राउन शुगर कीमत करीब 18 लाख रुपए एवं एक टाटा अल्ट्रोस कार जब्त की। टीआई क्राइम ब्रांच इंदौर श्री धरेन्द्र भदौरिया के अनुसार पुलिस आयुक्त इंदौर श्री हरिनारायण चौरी मिश्र द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एवं उनकी गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कड़ी व प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी अनुक्रम में क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर तंत्र से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 5 व्यक्ति टाटा अल्ट्रोस कार से अवैध ब्राउन शुगर की तस्करी के लिए बाणगंगा थाना क्षेत्र के मालती वनस्पति के सुनसान मैदान में आने वाले हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच के उपनिरीक्षक जयदीप राठौर एवं उनकी टीम मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे और उक्त कार की घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम अजय यादव, अमन कुशल, ओम प्रकाश, सोहेल खान, रोहित जेरोन बताया है। बता दें, आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से 180 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर होना पाया गया। आरोपियों ने पूछताछ में इंदौर एवं आसपास के क्षेत्रों में ब्राउन शुगर की सप्लाई करना स्वीकार किया। सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना बाणगंगा पर अपराध क्रमांक 8/21/29 NDPS एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। डिविजनल ब्यूरो चीफ जिला इंदौर दुर्गेश चंद्रशेखर धुलधोई की खास रिपोर्ट। सर, ऑपरेशन प्रहार के तहत क्राइम ब्रांच द्वारा कल एक प्रभावी कार्रवाई की गई थी, क्या मामला था? हमारे सीपी साहब को सूचना मिली थी कि कोई ब्राउन शुगर की इंदौर में खेप आने वाली है। उस सूचना की तस्दीक डीसीपी साहब ने हमारी क्राइम ब्रांच को करने के लिए दी, तो राजस्थान प्रतापगढ़ का सोहेल उर्फ असलम खान ये टाटा अल्ट्रोस गाड़ी से ब्राउन शुगर लेके आने की इसकी सूचना थी। तो सूचना की तस्दीक हमने बाणगंगा के वो सब इंस्पेक्टर हैं महेश सिंह चौहान, उनको साथ में लेके और हमारे सब इंस्पेक्टर जीडी इनके साथ में एक टीम बना के और वहाँ पर जब दबिश दी तो उसकी तस्दीक बिल्कुल सही पाई गई। उससे और उसके 4 साथियों से 180 ग्राम ब्राउन शुगर जिसकी कीमत करीब 18 लाख रुपए है वो जब्त की गई है, और अल्ट्रोस गाड़ी है, 4 मोबाइल हैं और 6,000 रुपये कैश है। सर, इन जिन आरोपियों को पकड़ा गया है इनका बैकग्राउंड क्या रहा है? ये अभी जांच कर रहे हैं, विवेचना में है। वहाँ की ये है कि ये ब्राउन शुगर वहाँ से बाहर से लाके और इंदौर में पुड़िया बना बना के बड़ी मात्रा में लाते हैं और उसको कई जगह छोटी छोटी करके सप्लाई। सर, जब से आप इंदौर क्राइम ब्रांच पर पदस्थ हुए हैं, आपके नेतृत्व में क्राइम ब्रांच द्वारा कई प्रभावी कार्रवाइयां की है। गुंडे बदमाशों पर क्राइम ब्रांच काल का रूप धारण कर रखा है। आपकी कार्यशैली काफी अच्छी रही सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी सबसे पहले तो जो जवंग और अमेजोन पे जो लड़के घर घर जाके सप्लाई सामान का देते हैं, उसी में कुछ भेस बना के जो लूट करते थे रसूलिया में, उन्होंने लूट की थी, वो टेस्ट की हमने। 4 पहिया वाहन भी काफी टेस्ट हो गए, 2 पहिया वाहन भी काफी टेस्ट हुए, हथियार भी हमने टेस्ट किए, और बाकी ब्राउन शुगर है करीब 250 पिस्टल और करीब 400 राउंड अभी तक जब्त किए हैं। बाकी एडवाइजरी वगैरह सब में कार्रवाई कर ही रहे हैं, 420 में भी कार्रवाई चली रही है। इस तरह से अभी मुझे समय भी कम हुआ है, 5-6 महीने हुए हैं, उसमें जितना प्रयास कर सकते हैं कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। सब चैनल के माध्यम से इंदौर के असामाजिक तत्वों को और गुंडे बदमाशों को इंदौर क्राइम ब्रांच की तरफ से आप क्या सख्त चेतावनी देना चाहेंगे? मैं अपने पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ से उन सबको ये चेतावनी देना चाहूंगा कि वो अपराध छोड़ दें और या फिर इंदौर छोड़ दें।